पेज नंबर 219 एनसीईआरटी में आप देखेंगे अपनी बुक में, तो उन्होंने ट्राई दीज में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ध्यान दें ट्राई दीज। तो इसको हम सॉल्व करेंगे एक एक करके, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ओके, तो फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करिए मेरे साथ। पहले आप खुद से ट्राई करो और मेरे से आंसर मैच करना, ठीक है? मैं तो आपको करके दिखाऊंगा। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, ओके। सो 12x को ई रिड्यूसिबल फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो। 12x को आप क्या लिखोगे? 12 को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो, मतलब 12 को आप प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो जाए या 1 से, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, है ना? तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखो, 2 सिक्सा क्या होता है 12, फिर 2 थ्रीजा क्या होता है 6, फिर 3 वनजा 3, जैसे ही 1 आ जाए छोड़ दो, यानी कि 12 को 2 into 2 into 3 लिखेंगे, ओके। सो 12 को 2 into 2 into 3 लिखेंगे, और इंटू में क्या है, इंटू में एक्स भी है, सो एक्स लिख देंगे। नाउ ध्यान दें, 2 to the 4, 3 is 12 ही तो होता है, तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 3, करेक्ट, ओके। इसी तरीके से 36 के बच्चों प्राइम फैक्टर करिए, 36 के प्राइम फैक्टर करिए। कैसे करेंगे सर? 36 दिया ना ओनली, यस। चलिए देखिए बच्चों, 36 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करो, 2 18 टाइम जाएगा ना, 2 18 जा 36, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, और फिर 3 1 जा 3, करेक्ट। सो 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखोगे, ओके। सो 36 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखिए, 2 इंटू प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म का मतलब होता है आपको सामने प्राइम नंबर ही दिखने चाहिए। सो 2 into 2 into 3 into 3, ये देखिए। अब आप देख सकते हो बच्चों, 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36, ओके। नाउ ये हो गया, इसको पता है आप कैसे सोच सकते थे ऐसे भी कि 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 into 3, 12 3 the 36 होता है, फिर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3, और इंटू में 3, बस हो गया, ठीक। चल सो 12x को लिखा क्या, 2 into 2 into 3 into x, ये हो गया 12x, प्लस 36 को क्या लिखा, 2 into 2 into 3 into 3। अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक, और फैक्टराइजेशन करेंगे मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर से। क्या कहता है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर? ये रहा फर्स्ट टर्म, प्लस के बाद सेकेंड टर्म, जो भी कॉमन आ रहा हो उसको बाहर कॉमन ले लो, जो फैक्टर कॉमन आ रहा हो। फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं? नंबर, वेरिएबल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ओके। तो देखिए बच्चों, यहाँ 2 है, क्या यहाँ 2 है? यस सर। तो एक 2 बाहर आ जाएगा जिस पे निशान लगाया है, ये वाला, ठीक। फिर यहाँ पे फिर से 2 है, और सेकंड टर्म में फिर से 2 है, फिर से 2 कॉमन आएगा, और जब बाहर आएगा तो बाहर वाले 2 में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। ये ब्रैकेट है, और क्या क्या कॉमन आ रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 आया यहाँ, यहाँ से फिर ये वाला 2 आया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 3 है, क्या यहाँ है? यस सर। सो इनटू में 3 भी आ जाएगा बाहर। उसके बाद ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे ये वाला 3 है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 नहीं है, बस हो गया, अब 3 कॉमन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि ये वाला 3 भी आपने निकाल लिया ना। अब देखो, अब वेरिएबल्स चेक करो, फर्स्ट टर्म में एक्स है लेकिन सेकेंड टर्म में एक्स नहीं है, तो अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ओके। सो फर्स्ट टर्म में क्या बचा? एक्स। फिर ये वाले प्लस को हमने कॉपी कर दिया। अब सेकेंड टर्म में क्या बचा बच्चों? सेकेंड टर्म में देखिए 3 बचा है, क्योंकि 2 into 2 into 3 तो बाहर चला गया, ठीक, तो 3 बच गया, ये देखिए, ठीक। अब देखिए 2 to the 4 or 4 3 the 12, तो बाहर आ गया 12 इन द ब्रैकेट x प्लस 3। सो दिस इज द फैक्टर फॉर्म, यही क्या है, 12 इन द ब्रैकेट x प्लस 3 क्या है इसका रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म है। अब आपको अगर अपना आंसर चेक करना है, ओके, सो कैसे चेक करेंगे? चेक योर आंसर, कैसे? जो आंसर आया है आपका 12 इन द ब्रैकेट x प्लस 3, ठीक, ये आया। सो 12 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है, 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और चेक करो कि दिया गया एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो आपका आंसर सही है, 12 into x 12x, और यहाँ पे प्लस है, प्लस 12 into 3 36, ये लीजिए 12x प्लस 36 आ गया, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही फैक्टराइज किया है, करेक्ट, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं पार्ट 2, 22y - 33z, ओके। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका, 22y को आप क्या लिखोगे, 22 को क्या लिखोगे, 22 के प्राइम फैक्टर निकालो, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 1 2, यानी कि 2 11 22, फिर 11 भी एक प्राइम नंबर है, तो 11 से जाएगा, 11 1 11, अब छोड़ देंगे, यानी कि 22 कैन बी रिटन एज 2 into 11, 22 को क्या लिखा, 2 into 11, आप चेक भी कर सकते हो, 2 into 11 22 ही तो होता है,
22 को 2 इंटू 11 और इंटू में y। अब सेकेंड टर्म देखिए, साइन मत देखो आप ये देखो बस क्या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिखा है, और बिना साइन के आप एक्सप्रेशन को देखो क्या लिखा है, 33z। ओके नाउ 33 के प्राइम फैक्टर बच्चों, पहले ये 3 से जाएगा, सो 3 वन ज़ा 3 यानी कि 3 11 ज़ा 33, फिर 11 से जाएगा, सो 11 वन ज़ा 11, सो 33 को हम 3 इंटू 11 लिख सकते हैं। तो आप भी देख सकते हो 3 इंटू 11 कितना होता है 33, तो 33 को 3 इंटू 11 इंटू में क्या बचा z। ओके नाउ 22 को हमने लिखा क्या 2 इंटू 11 इंटू y, और माइनस 33 को हमने लिखा 3 इंटू 11 इंटू z। सो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ब्रैकेट लगाएंगे। ओके अब ध्यान दें बच्चों, फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 11 है, यस सर, यहाँ भी 11 है, यस सर, तो 11 आ गया ब्रैकेट के बाहर। यहाँ y है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ z है लेकिन यहाँ नहीं है ना, सो ओनली क्या कॉमन आया 11। क्या बचा फर्स्ट टर्म में 2 और y, यानी कि 2 इंटू y, फिर माइनस कॉपी करेंगे, और सेकेंड टर्म में क्या बचा 3 इंटू z, सो 3 इंटू z। अब बाहर है 11 इन द ब्रैकेट 2 इंटू y, 2y और माइनस 3 इंटू z, 3z, ये लीजिए। ठीक है बच्चों, ओके सो ये आपका रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म है, 11 इन द ब्रैकेट 2y माइनस 3z। अगर आंसर चेक करना है आपको सो आप चेक कर सकते हो कैसे, 11 इन द ब्रैकेट 3y माइनस सॉरी 2y माइनस 3z, क्या करेंगे 11 को वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यही एक्सप्रेशन आ गया जो दिया था तो हमारा आंसर सही है, 11 इंटू 2 22 साथ में y तो माइनस 11 3 ज़ा 33 साथ में z, लीजिए बिल्कुल सही आंसर आया हमारा। तो ये रहा आपका क्या फैक्टर फॉर्म, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन वापस आ गया जो दिया हुआ था जब हमने 11 को वापस अंदर मल्टीप्लाई किया। ओके प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट 3, ट्राई दीज का, 14 PQ + 35 PQR। सो 14 PQ को क्या लिखोगे आप, 14 PQ को आप क्या लिखोगे बच्चों, 14 को 2 × 7 वेरी इजी इंटू PQ को P × Q लिखा, और सेकेंड टर्म क्या है 35 PQR। बच्चों सभी बच्चों को पता है 35 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 7। ओके सो 5 × 7 5 × 7 = 35 इंटू में क्या बचा P × Q × R, सो P × Q × R। ओके नाउ अब यहां पे आइए, ये फर्स्ट टर्म है, 14 PQ को क्या लिखा हमने 2 × 7 इंटू P × Q प्लस 35 PQR को हमने लिखा 5 × 7 इंटू P × Q × R। ओके R ब्रैकेट लगा देंगे एक, ये फर्स्ट टर्म है प्लस के बाद ये सेकेंड टर्म है, ठीक कॉमन क्या आ रहा है चेक करो, सबसे पहले नंबर चेक करो, यहाँ पे 2 है यहाँ नहीं है, यहाँ 7 है और सेकेंड टर्म में भी 7 है, तो 7 आ गया कॉमन। उसके बाद यहाँ 5 है लेकिन यहाँ फर्स्ट टर्म में 5 नहीं, तो 5 कॉमन नहीं हो सकता है, फिर यहाँ पे P है सो P आ जाएगा बाहर, तो 7 × P, या आप ऐसे भी 7P भी लिख सकते हो, P आ गया बाहर। ओके क्योंकि यहाँ भी P है ना, उसके बाद Q यहाँ भी है यहाँ भी है, तो Q भी आ गया कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचा फर्स्ट टर्म में, यहाँ से यहाँ तक 7PQ बाहर चला गया, क्या बचा 2 प्लस 7PQ बाहर चला गया 5 × R बचा, तो 5 × R बच गया। ओके नाउ 7PQ इन द ब्रैकेट 2 ऐसे ही रहेगा और प्लस 5 × R 5R 5R, सो दिस इज रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप क्या करो, 7PQ इन द ब्रैकेट 2 प्लस 5R, आप क्या करेंगे ये 7PQ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और अगर जो एक्सप्रेशन दिया है वही आ गया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 7PQ इंटू 2 7 × 2 हो गया 14 और P × Q PQ, फिर ये जाके देखो ये 2 में मल्टीप्लाई किया था 7 × 2 = 14 PQ, और यहाँ जाके करेगा तो 7 × 5 = ये वाला प्लस यहाँ कॉपी करेंगे 7 × 5 = 35 PQR भाई PQ × R PQR, ये लीजिए। तो जो एक्सप्रेशन दिया था वही एक्सप्रेशन आ गया, इसका मतलब हमारा ये जो फैक्टराइजेशन हमने किया है, ये जो फैक्टर फॉर्म है, रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म है, वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट।